जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मित्रों, अरे जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम शीघ्र आपके लिए साइंस की क्लास भी शुरू करेंगे, तो मित्रों आज से आपके साइंस की क्लास शुरू हो रही है। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे मोटे नन्हे बच्चों, आप लोग 8th क्लास से 9th में आए हो और आज हम साइंस क्लास शुरू कर रहे हैं। मैथ्स में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उसके बाद अभी हम साथ साथ चैप्टर नंबर 2 मैथ्स के, उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस हम जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बच्चा हमारे कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़ा, तो वो बच्चा क्या कर सकता है बेटा, जो 2 नंबर्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इन नंबर्स के थ्रू हमसे, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकता है, ये हमसे कांटेक्ट कर सकता है ना। तो यानी कि बच्चों, क्यों हम फिर बच्चों को कुछ दिन बाद हम जूम ऐप पर क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लास देंगे देंगे, साथ साथ जूम ऐप पर क्लास हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोचिंग, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो सर आप इन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है सर। शुरू करें बच्चों। जो प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है आपके केमिस्ट्री का, यानी साइंस का पहला चैप्टर है, तो ये सर केमिस्ट्री में आता है, यानी आपके रासायनिक विज्ञान में आता है। इंग्लिश में बोले तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, इंग्लिश में बोले तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, और हिंदी में कहे तो हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग इंग्लिश में बोले, हिंदी में हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं ना, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को तो सर ये जो नोट्स हमारे PDF के फॉर्म में, ये नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, अगर आसपास के बुराड़ी में ही रहते हैं, अमृत विहार में रहते हैं, तो सर हम जो कॉस्ट्यूम में रहते हैं, कहीं आसपास रहते हो, हमसे जुड़ सकते हो आप। आपको हम प्रॉपर हमारा ग्रुप बनाए व्हाट्सएप, वहाँ पर हमको प्रॉपर होमवर्क प्रोवाइड करेंगे, और जूम ऐप से आपके डाउट्स जूम ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको चैप्टर एंड होने के बाद या 1 आध क्लास बाद आपको हम इस नोट्स के PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। ये वही वही नोट्स मैंने बनाकर यहाँ लिख दिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, हमारे आसपास के पदार्थ, वन बाय वन सर चीज़ों को मैं बता रहा हूँ मैं। प्यारे बच्चों, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, समझो आपने जो NCERT वो भी पढ़ लिया बेटा। पूरे NCERT का निचोड़ मैंने इसमें रख दिया है सर। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब ऐसा कोई भी चीज, हिंदी बेटा, मैं हिंदी में ना बोलते जा रहा हूं मैं, तो आप लोग क्या करना, साथ साथ हिंदी वाले बच्चे उतार सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे बोलते हैं मैटर, यानी उसे बोलते हैं पदार्थ, उसे बोलते हैं मैटर, यानी बोलते हैं पदार्थ। सर मैटर क्या है, समझ नहीं आया। प्यारे बच्चों, ये पेन एक मैटर है, ये पेन एक पदार्थ है, क्यों, ये जगह घेरती है, हाँ, इसका एक मास है, मास मतलब समझो वेट, वजन है इसका, है। सर सर ये मेरे पास चार्जर है, ये मेरे पास क्या है, चार्जर है। सर चार्जर भी क्या है, मैटर है, क्यों सर, स्पेस लेती है, स्पेस भी लेती है और ये जगह भी घेरती है, ये सर मैटर है। सर ये मेरे पास क्या है, ये मेरा मास्क है, ये मेरे पास क्या सर, मास्क। सर मास्क ये है मेरे पास, सर ये भी क्या है, मैटर है, ये भी क्या है, पदार्थ है, क्यों, ये जगह घेरती है और इसका वजन है, जगह घेरती है, इसका वजन है, ये क्या है, मैटर यानी कि पदार्थ। सर ये मेरे पास क्या है, हथौड़ा, ये मेरे पास क्या है, हथौड़ा। सर ये भी क्या है, मैटर है, क्यों, इसका वजन भी है और जगह भी घेरती है, वजन भी है और जगह भी घेरती है। सर ये मेरे पास है डस्टर, ये मेरे पास है डस्टर। सर डस्टर भी क्या है, मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ,
पदार्थ है ना ये, क्यों? ये जगह घेरती है, इसका वजन भी है और जगह भी घेरती है, वजन भी है जगह भी घेरती है। मेरे पास एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल है सर, ये पानी की बोतल क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर यानी पदार्थ। क्यों पदार्थ है? क्योंकि सर ये जगह भी, इसका वजन भी है और जगह भी घेरती है, वजन भी है जगह भी घेरती है। सर ये जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सैनिटाइजर का बोतल है, ये भी क्या है? मैटर है, ये भी मैटर है, पदार्थ है। क्यों सर? जगह घेर रही है, जगह जगह घेरती है, इसका वजन भी है, जगह भी घेर रही है, वजन भी घेरती है, जगह भी घेरती है, वजन भी है। आपको दो चीज़ देखना है, अगर जिस भी चीज़ का कुछ ना कुछ वजन हो, जिस भी चीज़ का कुछ ना कुछ वजन हो और वह जगह घेरती है, वो मैटर होता है। मेरे पास स्टिक है, मेरे पास क्या है? स्टिक, डंडा बहुत है, ठीक है, गंगाराम है सर, गंगाराम क्या है? ये भी मैटर है, ये भी क्या है? मैटर। क्योंकि सर जगह घेरती है, ये जगह घेरती है और इसका वजन भी है, सर ये भी मैटर है। मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स भी क्या है? ये भी मैटर है। मैटर क्यों है सर? ये क्यों मैटर है सर? इसका वजन भी है और ये जगह भी घेरती है। सर ये मेरे पास, ये मेरे पास सर क्या है? इसमें मैंने पेन रखे हुए हैं, मैंने चौक रखे हुए हैं, इंक रखी हुई है, सब का सब, ये भी क्या है? मैटर है, यानी कि पदार्थ है। क्यों? ये जगह भी घेरती है, इसका वजन भी है, जगह भी घेरती है, वजन भी है। आपको हमारे आसपास जो जो भी कुछ दिखता है, ये मेरे पास ताला है सर, ताला, चाबी, ये भी क्या है? मैटर है, ये भी क्या है? मैटर है, ये भी पदार्थ है, ये भी लो पदार्थ, सब पदार्थ, सारे पदार्थ हैं, ये सारे मैटर हैं, मैटर यानी कि पदार्थ हैं। और हवा, आपका, आपको जो आसपास हवा दिख रहा है ना, वो हवा भी क्या है? मैटर है, यानी पदार्थ है। क्योंकि सर वो जगह घेरती है, क्योंकि सर वो जगह घेरती है और उसका वजन होता है। ये सारे के सारे क्या भाई? मैटर है, समझ गए? अब मत पूछना मैटर क्या है भाई, है ना, मैंने बता दिया आपको मैटर। तो हमें अपने आसपास जो भी कुछ चीज दिखाई देते हैं, जिनका कुछ वजन होता है, जो जगह घेरते हैं, वो होते हैं मैटर यानी कि पदार्थ। ठीक है सर, समझ गए? चलो सर समझ गए। अब देखो, मॉडर्न डेज साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू टू वेज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मॉडर्न डेज है, मतलब मॉडर्न डेज मतलब जो आधुनिक, जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्टों ने हमारे मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इन मैटर इन टू वेज। आधुनिक समय में, वर्तमान समय में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पदार्थ को यानी मैटर्स को दो भागों में बांट दिया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया कर दिया है ना, किस कैटेगरी के हिसाब से? एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे कि आप लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, तो समाज में दो बेसिकली भगवान ने हम लोगों को धरती पे तीन तरह के मनुष्य भेजे हैं, धरती पे तीन तरह के मनुष्य भेजे हैं। तो भगवान ने मनुष्य को तीन भागों में बांटा है, एक पुरुष, एक महिला और एक जो सर तीसरा जो होता है ट्रांसजेंडर जो बोलता है, जिसको हम समलैंगिक बोलते हैं, ठीक है, एक पुरुष, एक स्त्री और तीसरा समलैंगिक। तीन तरह के होते हैं ना, भगवान ने तीन तरह के लिंग बांटे हैं। सेम इसी तरह हमारे जो मैटर्स हैं, मैटर्स को तीन हिसाब से बांटा गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। हिंदी वाले बच्चे साथ साथ चाहें तो लिख सकते हैं कि आधुनिक समय में, आधुनिक समय में पदार्थों को दो तरीके से बांटा गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो भौतिक विशेषता के आधार पर तथा रासायनिक विशेषता के आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर और रासायनिक विशेषता के आधार पर पदार्थों को बांटा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर, समझ गए ना, दो चीज समझ गए, दो लाइन समझ गए सर, कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी भी कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ बोलते हैं। दूसरा, मॉडर्न डेज में साइंटिस्टों द्वारा मैटर्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक विशेषता के आधार पर
एक रासायनिक विशेषता के आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर, रासायनिक विशेषता के आधार पर, समझ गए? ठीक है सर, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, अब मैंने ये तो बता दिया, मैंने ये तो बता दिया कि मैटर्स को दो बेस पर बांटा गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, जैसे भाई मान के चलो कि आप कैसे लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ना, कि यार जैसे कि मान के चलो प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग क्या करते हो कि जैसे कि आप लोग भी ना, आपने अपने मोबाइल फोन में, या मोबाइल फोन बोले, या मान के चलो ना, आपने चलो मोबाइल फोन में छोड़ दो, मैं अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो जैसे आपने ना, अगर आपके घरों में आपने बुक्स रखे होंगे, तो बुक्स में देखा होगा आपने, एक तरह रहते हैं आपके बुक्स बुक, और एक तरह रहते हैं आपकी कॉपियां कॉपियां। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड सॉलिड लिक्विड गैस, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। मैंने बता तो दिया कि मैटर्स को दो हिसाब से बांटा गया, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर्स को किस में डिवाइड किया गया है, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक भौतिक विशेषता के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर कोई बात कोई आपको पूछे कि मैटर क्या है, तो आप बोलोगे सॉलिड लिक्विड गैस। तो कौन से प्रॉपर्टी के हिसाब से सर? ये फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से है सर। ये कौन से प्रॉपर्टी के हिसाब से प्यारे बच्चों? ये है फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। किसके हिसाब से प्यारे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। यानी कि भौतिक विशेषता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है सर, हो गए प्यारे बच्चों। अब तुम बोलोगे सर आपने तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी बताया सर, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बताया, कि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैटर सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, तो सर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होते हैं? अरे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से यानी रासायनिक विशेषता के आधार पर क्या होते हैं पता है ना, उसको हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में, क्यों अभी ना सॉलिड लिक्विड गैस ही है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर रासायनिक विशेषता के आधार पर बात करें, तो वहां पर बात करें हम करते हैं हम एलिमेंट की, या बात करते हैं वहां पर हम मिक्सर्स की, एलिमेंट की बात करेंगे, मिक्सर्स की बात करेंगे, और सोल्यूशन वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, वो तो हो गया, तो वो आएंगे सेकंड चैप्टर में। यहां देखते हैं पार्टिकल, द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखो सर, द पार्टिकल विच मेक अप मैटर, यानी कि जो पार्टिकल मेक अप मैटर, द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखो प्यारे बच्चों, आपने क्लास 8th में सुना होगा एटम के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु, क्या बोलते हैं? परमाणु, इसे बोलते हैं अणु, इसे बोलते हैं परमाणु, इसे बोलते हैं अणु। तो कह रहे द पार्टिकल विच मेकअप मैटर, यानी कि जो मतलब कि इसका मतलब ये है कि हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो सर, जो हमारे ये मैंने कहा सर, ये मैंने कहा पेन है, और ये पेन किससे बना हुआ है? ये पेन बना हुआ है छोटे छोटे मैटर से, क्या बना हुआ है? छोटे छोटे मैटर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मान लो प्यारे बच्चों मेरे पास ना एक चौक है, मेरे पास क्या सर है, चौक जी बाहर नहीं आ रहे यार, अब चौक ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, ये छोटा चौक ढूंढना, ये चौक नहीं, ये मेरे पास चौक है। ठीक है, अब ये एक चौक है, ये चौक क्या बेटा? मैटर है। चौक क्या है? मैटर है, यानी पदार्थ है। ये चौक किससे बना हुआ है? ये चौक बना हुआ है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। किससे बना हुआ है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, यानी ये चौक बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। और वो जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल किससे बने हुए हैं? वो पार्टिकल बने हुए हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से, यानी परमाणु और अणु से मिलकर बने हुए सर। तो मैटर्स विच मेकअप मैटर, द पार्टिकल विच मेकअप मैटर्स आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों,
अब सर वन बाय वन आ रहे हम। द बेस्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वॉज गिवन रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। इसका मतलब क्या है सर? बेस्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड, मतलब देखो सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस ये कह रहा है द बेस्ट एविडेंस, इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि सर एक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1827 में ये बताया, मतलब ये इसके बारे में बताया कि आपने देखो किसके बारे में बताया, आपने देखा होगा ना कि अगर आप एक पानी की बाल्टी है और अगर पानी की बाल्टी में कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, अगर पानी की बाल्टी है और उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल हैं तो आप देखते होंगे वो डस्ट पार्टिकल मूवमेंट करते रहते हैं, यानी ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं। अरे मान के चलो कि आप पानी की बाल्टी है और उस पानी के बाल्टी में क्या करते हो आप, एक चौक को पीस कर डाल देते हो, एक चौक को पीस कर डाल देते हो, तो क्या दिखोगे आप कि थोड़ी देर तक वो ये जो चौक के जो धूल होगा ना, ये धूल ऊपर नीचे दौड़ता रहेगा, ये डस्ट ऊपर नीचे दौड़ता रहेगा, ठीक है, ये डस्ट ऊपर नीचे सर दौड़ता रहेगा, है ना। अब जैसे मान के चलो पानी की बोतल है, अब इसमें तो फिलहाल डस्ट नहीं है, पानी की बोतल यहाँ तो कोई डस्ट नहीं है ना फिलहाल, अगर मैं डस्ट डालूंगा ना तो डस्ट ऊपर नीचे दौड़ता रहेगा। तो इसके बारे में मतलब के बारे में इसके बारे में जो आगे रिसर्च किया था, ये लिखा है ना, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड, ठीक है, कि जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, है ना। इसके बारे में अभी आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इस लाइन का मतलब यही समझना आपको कि जो रॉबर्ट ब्राउन सर हैं, जो रॉबर्ट ब्राउन सर हैं, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जो लिक्विड में पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, इसके बारे में बताया था। इसके बारे में उन्होंने रिसर्च क्या किया था, इसके बारे में आएंगे भी, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, द पोलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हिट, यहाँ पर है हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। अब प्यारे बच्चों देखो, अब आपने इस लाइन का मतलब समझाने के लिए आपको एक चीज समझाता हूँ मैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है पोलन ग्रेन, माफी चाहता हूँ, क्या लिखा हुआ? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का मतलब होता है जैसे आपने कभी देखा है वो हमारे होता है ना, क्या होते हैं फूल होते हैं, क्या होते हैं फूल, तो बेटा जो फूल होता है ना, जो फूल का डस्ट होता है, जो उसका डस्ट होता है उसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। इसको हिंदी बोलते हैं पराग कण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पराग कण। तो मतलब पोलन ग्रेन का मतलब होता है डस्ट, जैसे मतलब चौक का डस्ट होता है, जैसे क्या होता है चौक का डस्ट होता है। तो अब उन्होंने रिसर्च किया, देखो सुन लो बेटा, उन्होंने रिसर्च क्या किया था देखो, मान के चलो बेटा एक चौक है, ठीक है, अब मैं इस चौक को पीसता हूँ, इस चौक को मैं तोड़ता हूँ और पीस देता हूँ, अगर मैं चौक को तोड़ने के बाद पीसता हूँ और उसको मैं पानी के बोतल में डालता हूँ, कहाँ डालता हूँ मैं? पानी के बोतल में डालता हूँ, तो आप लोग देखोगे वो डस्ट पार्टिकल होगा। प्यारे बच्चों आपके सामने मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये चौक लिया मैंने, ठीक है सर, सारा एक्सपेरिमेंट लाइव होता है यहाँ पर, ऐसे नहीं पढ़ाते हम, साइंस को एकदम घुल पूरे खोल देंगे आपके बॉडी में, ठीक है सर। ये हमने इसको क्या किया, चौक को तोड़ दिया भैया, चौक पाउडर बना रहे हैं, ठीक है, साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस मैथ नहीं है ये, अब साइंस है ये, ठीक है। इसको डालेंगे पानी की बोतल में, ठीक है, अब देखते ज्यादा नहीं जाता है पानी की बोतल में डालते हैं इसको। प्यारे बच्चों ये आपके सामने ये रहा बच्चे का ढक्कन का बेटा, ठीक है, अब इसका पानी फेंक दे कोई, ठीक है, इसका मैंने ये लिया सर, ठीक है, ढक्कन लगा दिया मैंने, इसमें लगा दिया, अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे सर, इसमें देख रहे हैं आप, क्या इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें डस्ट ऊपर जा रहा है,
अगर इस पर देख रहे होंगे आप, तो जो इसमें डस्ट है ना, धूल है ना, देखो ये व्हाइट व्हाइट ना, ये मूवमेंट कर रहा है ऊपर, है ना, ये मूवमेंट कर रहा है बेटा, है ना बेटा, देखो डस्ट मूवमेंट कर रहा है ना बेटा, कर रहा है ना मूवमेंट, डस्ट कर रहा है ना, ये डस्ट ऊपर नीचे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है इसमें, ठीक है, जो धूल है डस्ट ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं इसमें। अब क्या देख रहे हैं सर आप, ये डस्ट ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, तो जो डस्ट मूवमेंट ऊपर नीचे मूवमेंट करता है ना, वो क्यों करता है, देखो एक बेटा इसके पीछे साइंस का लॉजिक है। साइंस ये कहता है कि अगर हम डस्ट पार्टिकल को, अगर हम डस्ट पार्टिकल को पानी के अंदर डालते हैं, तो वो डस्ट अपने आप नहीं घूमता। ध्यान देना, अगर हम डस्ट पार्टिकल को पानी में डालते हैं तो डस्ट अपने आप नहीं घूमेगा। तो सर तुम बोलो कौन घुमाएगा फिर उसको, उसको घुमाने के लिए फिर भगवान आएगा क्या, या फिर कैरी मिनाटी आएगा? नहीं भाई, एक्चुअली क्या प्यारे बच्चों, कि जब हम पानी में डस्ट डालते हैं और डस्ट अगर ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, तो डस्ट इसलिए मूवमेंट करता है क्योंकि जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सुन लो, जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं सर, मूवमेंट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हो बेटा, मूवमेंट कर रहे होते हैं। फिर सुन लो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब पानी में कोई धूल जाता है, कोई डस्ट जाता है, तो डस्ट ऊपर नीचे घूमता है, मूवमेंट करता है, वो डस्ट मूवमेंट किस लिए करता है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, क्योंकि वाटर भी किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। वाटर किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। पानी किससे बना होता है, छोटे छोटे कणों से। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार दौड़ते रहते हैं। अच्छा, वाटर के पार्टिकल दौड़ते रहेंगे, जब वाटर के पार्टिकल लगातार दौड़ेंगे तो वो किसको टक्कर मारेंगे, वो टक्कर मारेंगे डस्ट को, वो टक्कर मारेंगे डस्ट को। जब वो डस्ट को टक्कर मारेंगे तो डस्ट ऊपर नीचे भागेगा। यानी पानी के अंदर तो पानी के अंदर जो डस्ट ऊपर नीचे भागता है, वो इसलिए भागता है क्योंकि वाटर के पार्टिकल किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, क्योंकि पानी के कण किस में होते हैं, गति में होते हैं, किस में होते हैं, गति में होते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, देखो मान के चलो ये ना डस्ट पार्टिकल है, ये दो, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और यहां से मान लो ये वाटर का पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है, और वाटर का पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं ऊपर, है ना, वाटर ये डस्ट पार्टिकल है, और वाटर का पार्ट ये डस्ट पार्टिकल है भाई, ठीक है, दोनों डस्ट पार्टिकल है, और वाटर के पार्टिकल घूम रहे हैं ऐसे, वाटर के पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं। अब जब घूमेंगे तो वो तो कहीं भी घूम सकते हैं, और ऐसे घूम गए, वाटर के पार्टिकल ऐसे घूम गए, तो ये वाटर का पार्टिकल है, तो इसने टक्कर मारा किसको, डस्ट को। जब वाटर का पार्टिकल डस्ट को टक्कर मारेगा तो डस्ट भी तो आगे पीछे जाएगा, ये दूसरा वाटर का पार्टिकल आया, इसने टक्कर मारा, ये इधर घूम रहा है, तो वाटर के पार्टिकल किसको हिट कर रहे हैं, किसको टक्कर मार रहे हैं, डस्ट के पार्टिकल को। तो यानी कि आप अपने माइंड में एक चीज बिठा लो, जो वाटर के पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, जिसके कारण वो डस्ट पार्टिकल को लगातार हिट करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इसका मतलब है ना, इस लाइन का मतलब कि द पोलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जो पानी में कुछ पराकण होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज द पोलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द पोलन ग्रेन ऑन सरफेस ऑफ वाटर मूव्स, यहाँ ना एक चीज, यहाँ एक चीज रह गया बेटा, मूवमेंट रह गया यहाँ पर, क्या लिख क्या रह गया यहाँ पर, एक चीज मूवमेंट ना, पोलन ग्रेन ऑन सरफेस ऑफ वाटर दे आर कॉन्स्टेंटली, है ना, मूवमेंट जो करता है यहाँ, द पोलन ग्रेन ऑन सरफेस ऑफ वाटर मूव्स लिख दो, क्या लिखते हैं, मूव्स लिख दो यहां पर, क्या लिखते हो, मूव्स, मूव्स बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाई, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनको कौन हिट करता है, बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ द वाटर। तो डस्ट पार्टिकल पानी के अंदर इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनको कौन टक्कर मारता है, वाटर के पार्टिकल। अब सर वाटर का पार्टिकल क्यों टक्कर मारते हैं, कि वाटर के पार्टिकल किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, क्यों, पानी के कण किस में होते हैं, गति में होते हैं, ठीक है। चलिए सर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, ये समझ गए सर, समझ गए सर ये, अरे मित्रों, अरे अगर समझ रहे हो ना,
तो साथ साथ कमेंट में करता रहूं और लाइव करता रहूं। अरे वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठोक दिया करो यार मित्रों, तो आगे बढ़े। चलिए सर, द टिनी डस्ट पार्टिकल मूव्स हियर एंड देयर, वही आगे वही बात आ गई ना, द टिनी डस्ट पार्टिकल मूव्स हियर एंड देयर, जो पानी के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं वो मूव्स हियर एंड देयर, मतलब यहां से वहां भागते हैं, यहां से वहां भागते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाई फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। देखो यहां पर ऊपर वाले में ये लाइन आधी बोली गई थी, अब मैंने क्या कर दिया उसको पूरा कर दिया, नहीं कह रहा है इधर टीनी डस्ट पार्टिकल, मैंने भी समझाया ना, मूव हियर देयर, छोटे छोटे पार्टिकल इधर से उधर जाते हैं, क्यों जाते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाई, उनको कौन, डस्ट पार्टिकल को कौन हिट करता है, फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर के तेज पार्टिकल, वाटर के तेज पार्टिकल किसको हिट करते हैं, डस्ट पार्टिकल को। ठीक है सर, तो अगर कभी भी आ जाए कि व्हाई डज द डस्ट पार्टिकल मूव्स इन द वाटर, तो आप लिखना है बिकॉज दे आर हिट बाई फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर, पानी के अंदर छोटे छोटे कण, पानी के अंदर धूल के छोटे छोटे कण गति करते हैं, क्योंकि उन कणों को पानी के कणों द्वारा, उन कणों को पानी के कणों द्वारा बहुत तेज गति से धक्का दिया जाता है, बहुत तेज गति से धक्का दिया जाता है। तो मित्रों समझ गए आप, अरे मित्रों समझ गए हैं, अरे समझ गए हैं, तो चलिए सर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया सर हमारे पास, अब प्यारे बच्चों अब बात करेंगे जरा मित्रों, और हम मित्रों जरा बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, और हम मित्रों हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसको हिंदी में कहते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, हिंदी में कहते हैं कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषता, पदार्थ के कणों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों की विशेषता, यानी कि मैंने कहा कि ये भी मैटर है, तो अगर ये मैटर है तो ये किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से, अगर ये पदार्थ है तो किससे बना है, छोटे छोटे कणों से, अगर ये चौक है, ये मैटर है तो किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से, अगर ये पेन है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल क्या है, मैटर है यानी पदार्थ है, ये किससे बना है, पार्टिकल से, किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से बना है, यानी प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों की विशेषता, ठीक है सर, क्या प्यारे बच्चों क्या विशेषता है, पहला द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी प्यारे बच्चों द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पहला मतलब जैसे ना, जैसे यार आप लोग हो तो इंसान है ना, तो यार आप लिविंग बींग्स हो, तो लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कुछ विशेषता होती नहीं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज, जैसे कि यार हम लोग हैं तो हम लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, हम लोगों की कुछ ना कुछ विशेषता है, क्या विशेषता, जैसे इंसानों की यार हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, हम लोग सांस ले सकते हैं, हम लोग दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ जो मैट जो हमारे कुछ मैटर्स हैं, जो उनके मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो पदार्थ के कण हैं, उनकी उनकी कुछ विशेषता है, क्या विशेषता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत 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 ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्या होते हैं सर, छोटे, पदार्थ के कण क्या होते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, अरे कैसे, अरे सर ये मैटर है, ये चौक क्या है, मैटर, ये चौक किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से, देख भाई मैंने तोड़ तोड़ इसको, ये आपको डस्ट दिख रहा है, ये आपको डस्ट दिख रहा है, डस्ट दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, डस्ट दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, तो ये चौक था, ये मैटर था, ये है पार्टिकल, दिस इज मैटर, दिस इज पार्टिकल, दिस इज पदार्थ, दिस इज कण, ये छोटे छोटे, तो पार्टिकल क्या है, बहुत छोटा है ना, स्मॉल, देखो स्मॉल पे लगा, जहां पर स्मॉल था ना वहीं पर वो गया है ना, ठीक है सर, सर पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया यहाँ पर,
ठीक है, और तुम बोलो सर जब बायो पढ़ाओगे तब तो आप इंसान को लाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए, उसको फाड़ दोगे इंसान को आप? नहीं भाई, लाएंगे सिखाएंगे आपको, बस फील द साइंस, साइंस को फील करो, महसूस करो गाइस, जस्ट फील द साइंस। ठीक है सर, हथौड़ा सर यहाँ पे, ठीक है सर। अरे शांत हो जाओ यार, आवाज क्यों आ रही है, चुप हो जाओ, सुन लो भाई। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर होता है, मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। समझ गए? हाँ समझ गए, कि पदार्थ द पार्टिकल ऑफ मैटर, कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, आप देख ही रहे हो जैसे। ठीक है सर, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा ये कह रहा है कि जो मैटर होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उनके बीच में होता है खाली स्थान। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पदार्थ के कणों के बीच में बहुत सारा खाली स्थान होता है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ के कणों के बीच में बहुत सारा खाली स्थान होता है। अच्छा तुम बोलोगे सर, मुझे बताया, तुम बोलोगे सर ये चौक है, ये चौक बना है, ये चौक क्या है, मैटर है, ये चौक बना है पार्टिकल से। अब सर इनके बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तुम बोल रहे हो सर, फिर तो आप झूठ झूठ बता रहे हो, फिर तो एकदम गलत पढ़ा रहे हो। अब देखो भैया, मैंने कहा कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनके बीच में स्पेस होता है, तुमको सर स्पेस होता ही नहीं है ना। अब मैं बोलता हूं कि स्पेस कैसा होता है, कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, वो कैसे होता है, वो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो भाई प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यार आपने मान के चलो ये पानी की बोतल ली, लिया ठीक है, आपने इसमें डाला चीनी, क्या डाला, चीनी, ठीक है, चलो चीनी तो देर से घुलेगा, इसमें डाला आपने नमक, क्या डाला, नमक। तो पानी लिया, पानी में क्या डाला आपने, नमक, तो आप नमक को ऐसे 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 किया, आपने क्या देखा, नमक घुल गया, नमक पानी में घुल गया, यानी पानी में गायब हो गया वो। फिर आपने एक चम्मच नमक और डाला, फिर आपने इसको ऐसे 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 किया, फिर आपने देखा कि पानी में से नमक तो गायब हो गया, फिर आपने ऐसे ऐसे किया, फिर आपने फिर डाला इसमें, फिर पानी में नमक डाला, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर ये घुल गया यार। अच्छा फिर आप क्या कर रहे हो, आप इसमें नमक डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, मतलब आपने इसमें आधा किलो नमक घोल दिया, क्या इसमें आप आधा किलो नमक घोल दिया, ठीक है, क्या इसमें क्या इस पानी में आप 2 किलो नमक घोल सकते हो, नहीं, 3 किलो घोल सकते हो, नहीं, इस पानी में आप नमक घोल सकते हो पर एक लिमिट तक, इस पानी में आप नमक घोल सकते हो पर एक लिमिट तक, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 चम्मच, एक टाइम बाद वो नमक यहां तक आ जाएगा और नमक इसमें घुलेगा ही नहीं। तो आपने क्या देखा, या शुरुआत में जब मैंने इस पानी में 2-4 चम्मच नमक डाले तो नमक इस पानी में घुल गया। आपने देखा जब इस पानी में मैंने शुरू में 2-4 चम्मच नमक डाले तो नमक इस पानी में घुल गया, तो नमक कहाँ गया, वो नमक इस पानी में घुल तो गया, वो नमक कहाँ गायब हो गया था, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स थे, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, स्पेस था, पानी के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, स्पेस था, वो नमक वहां चले गया था। अच्छा ये बात है, बिल्कुल सर, मैं फिर बोल रहा हूं कि पानी में अगर आप 1 2 3 4 चम्मच नमक घोल लेते हो और नमक गायब हो जाता है तो नमक कहाँ जाता है, क्योंकि सर जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है तो वो नमक वहां चले जाता है। तो मेरी बात प्रूव हो गई ना, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। ठीक है सर, दो बात पढ़ ली हमने, दो पॉइंट पढ़ लिए, पहला पॉइंट क्या पढ़ा, कहता पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हिंदी में क्या पढ़ा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, दूसरा पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पदार्थ के कण निरंतर गति में होते हैं,
पदार्थ के कण निरंतर गति में होते हैं। तुम बोलो सर क्या मतलब है इसका। भाई देखो ये पानी है ठीक है। अब सर मैंने कहा था ना कि मैंने कहा था कि आप जब इस पानी में देखो पानी के तुम बोलोगे सर कि इस पॉइंट का मतलब ये है ना, द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तुम बोलोगे सर ये चौक है। चौक क्या है? मैटर। ये चौक किससे बना है? ये चौक किससे बना है? पार्टिकल से। तो सर तुम करोगे ये चौक जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो तो मूव नहीं कर रहे, वो तो नहीं दौड़ रहे, तो आपने कैसे बोल दिया कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग? चौक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो क्या वो पार्टिकल दौड़ रहे हैं? क्या वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं? सर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। सर आप कैसे बोल सकते हो पार्टिकल मूव कर रहे हैं? सर मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि सर जो पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पानी है, पानी क्या है? अपने आप में एक मैटर है, और ये मैटर किससे बना है? पार्टिकल्स से। तो जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो लगातार क्या करते हैं? मूव करते हैं। बताया था ना, अगर इसके अंदर चौक, अगर इस पानी के अंदर रखा हुआ चौक ऊपर नीचे दौड़ रहा है तो वो किसकी वजह से दौड़ रहा है? क्योंकि पानी के पार्टिकल चौक के पार्टिकल को हिट कर रहे हैं। अब पानी के पार्टिकल हिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पानी के पार्टिकल किस में है? मोशन में है। जल के कण, पानी के कण किस में है? गति में है। तो तीसरी प्रॉपर्टी समझा दी मैंने, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है सर, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सर पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी आकर्षित बेटा। तुम बोलोगे सर कैसे? सर तुम बोलोगे, तुम करोगे सर, सर ये बताओ मुझे, बता आप लोग क्या बोलोगे? सर आपने कहा ना द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने कहा हाँ बेटा। तुम बोलोगे सर ये चौक है। मैंने कहा हाँ बेटा चौक है। तुमने कहा सर ये भी चौक है। मैंने कहा हाँ बेटा ये चौक है। तुमने कहा सर ये चौक क्या खींच रहे क्या एक दूसरे को? अरे खींच रहे हैं क्या? नहीं खींच रहे। तुम करो सर झूठ क्यों बोल लो भाई? भाई नहीं खींच रहे भाई, खींच रहे हैं देखो, है ना? नहीं खींच रहे भाई। अरे नहीं खींच रहे क्या एक दूसरे को? ये खींच तो रहे दूसरे को। अच्छा ये नहीं है। देखो सर इसका मतलब क्या है, इसका वैसे सही मीनिंग क्या है? देखो प्यारे बच्चों, यार एक चीज बताओ, ये जो चौक है ना, ये चौक है, चौक क्या है? एक मैटर है। चौक क्या है? एक मैटर। ये मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। तो ये चौक जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो अगर वो पार्टिकल आपस में चिपके नहीं रहते, अगर वो पार्टिकल आपस में चिपके नहीं रहते, तो ये चौक तो कब का टूट जाता, ये चौक तो कब का चूर चूर हो जाता। सर ये चौक एक मैटर है, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो क्योंकि उन सब पार्टिकल ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, उन सब पार्टिकल ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, ऐसे पकड़ा हुआ है, तो यानी अट्रैक्ट किया हुआ है ना, तो तभी तो चौक बना है। तो इसका मतलब यही तो है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण, हिंदी में बोलेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये चार प्रॉपर्टीज हैं। कितने प्रॉपर्टीज हैं? चार। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपके सामने। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हिंदी में, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गति में होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज थी? चार। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों अब आगे बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज खत्म हो गए भाई, प्रॉपर्टीज हो गई खत्म, अब आगे बढ़ रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड मैटर, मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? देखो मैंने कहा कि जो मैटर होते हैं उनके
पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब ये कह रहा है उनके उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण किसके बीच में होता है, ठोस के कणों के बीच में होता है। प्यारे बच्चों जैसे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हथौड़ा है। अब अगर इस हथौड़े को मैं ऐसे मारूंगा, क्या यह हथौड़ा टूट जाएगा? ये मेरे पास हथौड़ा है, यानी ये मेरे पास हथौड़ा है, ये किस फॉर्म में है, यह सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में। मैंने इसको नीचे गिराया, ये टूटा नहीं टूटा, क्योंकि ये सॉलिड है, और सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनके बीच में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत सारा उनके बीच में आकर्षण बल होता है, क्योंकि ठोस के कणों के बीच में बहुत सारा बल का आकर्षण होता है। ठीक है, तो सॉलिड नहीं टूटा। कह रहे बच्चों अगर मैं मान के चलो यहां गिराता हूं पानी, मैं यहां गिराता हूं पानी, सर क्या पानी टूट जाएगा? पानी टूट जाएगा। तो मतलब सर पानी टूट जाएगा, अरे मतलब पानी फैल जाएगा ना। ये मैंने इसको नीचे गिराया, ये फैला नहीं फैला। अगर आप पानी गिराओगे नीचे तो पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आपने यहां गिराया पानी, पानी यहां पहुंच जाएगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में होता है, फिर लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है, ठोस के कणों में, यानी सॉलिड के पार्टिकल में। फिर किस में होता है, द्रव के कणों में, यानी लिक्विड के पार्टिकल में। फिर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस के पार्टिकल में। कैसे? और आपने देखा होगा कि यार कैसे, आपने देखा होगा ना कि मान के चलो प्यारे बच्चों आप, आपकी मम्मी बगल वाले कमरे में धूपबत्ती कर रही है, ठीक है, अब या आप दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे हो तो धूपबत्ती की खुशबू दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है। हाँ सर ये तो सही बोला आपने। या आपकी मम्मी खाना बना रही है या है ना, तो उसकी खुशबू ऊपर छत में पहुंच जाती है, क्योंकि जो खाना बनाते हैं तो उस खाने से निकलती है एक अच्छी सुगंध। क्या निकलती, अच्छी सुगंध, और वो सुगंध होती है गैस फॉर्म में। तो जब जैसे ही गैस तो फैल जाता है, गैस फैल जाता है ना, गैस फैल गया तो फैल गया मतलब गैस के पार्टिकल फैल गए, गैस के पार्टिकल फैल गए, तो फैल गए तो इसका मतलब उनके पार्टिकल के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, किस में, सॉलिड के पार्टिकल में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है वो किस में होता है, ठोसों में, फिर द्रवों में, फिर गैस में। कह रहे बच्चों लास्ट चीज, फ्लूड मींस अ मटेरियल या अ मैटर विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर्ड वेसल और कंटेनर टू कीप इट। सर एक होता है फ्लूड, इसको बोलते तरल। सर ऐसी भी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो आसानी से बह जाती है, ऐसी भी कोई भी चीज जो आसानी से फ्लो हो जाती है, यानी बह जाती है, और उसको रखने के लिए जगह चाहिए। विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर ए वेसल और कंटेनर टू कीप इट इज कॉल्ड फ्लूड। मतलब ऐसी भी कोई भी चीज जो आसानी से फ्लो हो जाती है और उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसे बोलते हैं तरल। बेटा तरल क्या होता है, फ्लूड क्या होता है, ऐसी भी कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको जिसको रखने के लिए, जिसको रखने के लिए कुछ बर्तन चाहिए होता है और जो आसानी से फ्लो हो जाता है, जो आसानी से बह जाता है, उसे बोलते हैं हम फ्लूड यानी तरल। तो प्यारे बच्चों पानी है, प्यारे बच्चों पानी को रखने के लिए बर्तन चाहिए होता है ना। क्या पानी वैसे रहता है, क्या पानी मेरे हाथ में रहेगा? नहीं, पानी को रहने के लिए क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। और अगर मैं गिराऊंगा तो फ्लो भी हो जाएगा, क्योंकि फ्लो भी हो रहा है और रखने के लिए बर्तन भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, फ्लूड है, इसे बोल देंगे तरल। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके घरों में जो गैस, जो एलपीजी गैस होती है, क्या वो गैस ऐसे खुले में आती है क्या?
नहीं, वो गैस किसके अंदर बंद रहती है? सिलेंडर के अंदर। वो गैस किसके अंदर बंद रहती है? सिलेंडर के अंदर, ताकि वो गैस फैल ना जाए। तो वो गैस क्या है सर? वो गैस फैल भी, मतलब फ्लो भी हो सकती है, और उसको रखते हैं किसके अंदर? हम एक सिलेंडर के अंदर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो वो गैस भी क्या है? फ्लूड है। यानी हमारे आसपास जितने भी गैस होते हैं वो सारे फ्लूड होते हैं, और जितने भी लिक्विड होते हैं वो सारे फ्लूड होते हैं, वो सारे तरल होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आज की जो कार्रवाई थी वो इतनी है। प्यारे बच्चों, पहली क्लास से आपके लिए बहुत सारा पढ़ा देंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा क्या क्या हो रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है मित्रों कि आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी। ठीक है, अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, और आपको ये करना है कि आपको एक तो लॉकडाउन का पालन करना है, और दूसरा चीज जो हमको पढ़ाया गया है उसको कल आपको रिवाइज करना है। और अब हमें बता देना आपको क्लास पसंद आ रही नहीं आ रही है, अरे आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा हो तो कमेंट करता रहिए सर, अरे वीडियो को लाइक भी करता रहिए, और दोस्तों को शेयर भी करता रहिए। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।